तो दोस्तों, भारत के लिए आज एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है अमेरिका की तरफ से, और भारत की एक बहुत ही बड़ी आवश्यकता को अमेरिका जल्द ही पूरी कर सकता है। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत के लिए चीन की बॉम्बरों की फौज से निपटने के लिए एक बहुत ही ताकतवर और लंबी दूरी तक मार करने वाला एक स्ट्रेटजिक या फिर एक स्टेल्थ बॉम्बर की आवश्यकता है, और भारत भी ऐसे बॉम्बर का निर्माण कर रहा है, परंतु इसको आने में कम से कम 5 साल तो लग ही जाएंगे। पर इसी बीच अमेरिका की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है, और अमेरिका ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ बॉम्बर, जो कि बिल्कुल ही एकदम नया और लेटेस्ट वर्जन है B-2 स्प्रिट का, जिसका नाम है B-21 राइडर, उसको बनाकर तैयार कर लिया है। और अमेरिका के अंदर इस बात की चर्चा चल रही है कि B-21 बॉम्बर को अमेरिकी सरकार को केवल खुद तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस बॉम्बर को अपने मित्र देश जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK और भारत जैसे देशों को सप्लाई करना चाहिए। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यह है कि जब अमेरिका ने B-2 स्प्रिट बॉम्बर को बनाया था, तब इसकी कुल 21 यूनिटें अमेरिका की तरफ से बनाई गई थी, और हर एक यूनिट को बनाने में अमेरिका को $2.1 बिलियन यानी 16,800 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे, जबकि यह जो B-21 राइडर बॉम्बर है, इसकी एक यूनिट बनाने में मात्र $440 मिलियन यानी करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। और इस प्रकार से यह जो B-21 स्प्रेड बॉम्बर है, वो दूसरे देशों के लिए F-35 जैसा ऑफर किया जा सकता है, और यही अमेरिका के अंदर बातचीत चल रही है कि B-21 राइडर बॉम्बर को अपने अलाय देशों जैसे कि UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत को सौंपा जाए, ताकि ये देश रूस और चीन जैसे अपने दुश्मन देशों से आसानी से लड़ाई लड़ सके। और खबरों के मुताबिक माने तो यह खबर आने के बाद में भारत करीब 18 की संख्या में B-21 बॉम्बर को खरीद सकता है, क्योंकि जब $440 मिलियन एक यूनिट की प्राइस है, तो भारत अपनी बॉम्बर की फ्लीट के लिए कम से कम 18 से 20 B-21 राइडर बॉम्बर को खरीद सकता है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है, और क्या अमेरिका के B-21 राइडर को भारत को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।